हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत बधाई हो तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है मेरा इसमें मैं फिर से कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा कुछ एक जनरल सी बातें होंगी तो क्योंकि शिक्षक दिवस है टीचर्स डे है तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या बीइंग ए टीचर तो जो मेरी लर्निंग्स हैं थ्रू आउट माय लाइफ तो उनमें से थोड़ा सा जो पार्ट है वो आपके साथ सिर्फ शेयर करूंगा तो फ्रेंड्स टीचर का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है टीचिंग में वो होता है लर्निंग तो लर्निंग के बगैर जो टीचर है वो कुछ भी नहीं है और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग है एंड ए टीचर हैज टू लर्न समथिंग थ्रू आउट हिज और हर लाइफ तो जहां पे लर्निंग खत्म हो गई तो आप समझ लीजिए कि जो आपकी टीचिंग है जो टीचर है वो वहीं पे उसका फुल स्टॉप लग गया तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता ये मेरा मानना है तो लर्निंग का मतलब <coughs> मेरा मतलब है ज्ञान और फ्रेंड्स ज्ञान जो है वो पानी की तरह होता है तो जैसे जो प्यासा है उसको पानी के पास जाना पड़ता है तो उसी प्रकार अगर आपने ज्ञान लेना है तो ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान आपके पास दौड़ के या भाग के या पैदल चल के आएगा तो आपको ज्ञान के पास जाना पड़ेगा तो जैसे कुआं है कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए और उससे भी दो कदम आगे अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको प्यास लगी है कुआं भी नहीं है आपको कुआं खोदना पड़े तो ज्ञान उस प्रकार है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे गए और आपको ज्ञान जो है वो इजीली मिल गया तो कुआं खोदने की भांति जो ज्ञान है वो आपको जैसे कुआं खोद के पानी निकालना है तो ज्ञान भी कई बार आपको इसी तरह से कुएं की भांति खोदने की भांति आपको निकालना पड़ेगा लेना पड़ेगा तो ये एक आर्ट है कि आप ज्ञान कैसे लेते हैं तो ये बातें मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं एक तो शिक्षक दिवस है तो मुझे लगा कि थोड़ी सी भारी भरकम बातें ज्ञान के बारे में कर ली जाए और दूसरी अभी दो दिन पहले का इंसिडेंट है मैंने परसों ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने रिवर्स स्लाइडर और स्लाइडर प्रेस के बारे में बताया था आपको और उसमें मैंने ये बोला था कि स्लाइडर प्रेस जो है वो मैंने काफ़ी दिग्गज प्लेयरों को सीनियर प्लेयर्स को बजाते हुए देखा है तो एक मेरे मित्र हैं बंगाल से हैं तो उनका ये एक डाउट था कि सर हमने कभी स्लाइडर प्रेस करके किसी सीनियर प्लेयर को बजाते हुए नहीं देखा तो जब उन्होंने ये बात की तो जो मैं अभी ज्ञान और कुएं की बातें कर रहा हूं कुएं खोदने की बातें तो वो बात मेरे एकदम माइंड में जहन में दिमाग में आ गई तो वो कैसे आ गई मैं आपको पूरा बताता हूं थोड़ा सा मैं आपको जो मेरी हार्मोनिका जर्नी है बिल्कुल ब्रीफली मैं बताता हूँ कि 2013 की जो आईएमपी दिल्ली दिल्ली में मीट हुई थी वो मेरा एक ज्ञान का इस आ, मतलब इस एरिया में हारमोनिका के एरिया में क्योंकि म्यूजिक की चलो मुझे पहले थोड़ी बहुत नॉलेज थी बट अगर स्पेसिफिकली हारमोनिका की बात करूं तो जो वो ज्ञान का द्वार था वो दिल्ली में खुला था 2013 में तो वहाँ पे मैंने पहली बार मैं बहुत से दिग्गज प्लेयर्स के रूबरू हुआ पहली बार मैंने बहुत सी टर्म्स ऐसी थी जो लाइफ में कभी सुनी नहीं थी वहाँ पहली बार सुनी पहली बार मैंने हारमोनिका बजाते हुए जब सीनियर प्लेयर्स को देखा तो कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोचता था कि हारमोनिका पे शायद बज ही नहीं सकती तो वो एक जैसा मैंने बताया कि ज्ञान का द्वार जो था वो आईएमपी दिल्ली मीट में मेरे लिए खुला था और जो अभी इसको मैं कोरिलेट करूंगा जो मेरा लास्ट वीडियो है तो वहां पे दो परफॉर्मेंसेस जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा एक वहां पे जगजीत ईशर जी ने एक सॉन्ग बजाया था रात अकेली है तो वो आप एक बार जरूर उसको सुनिएगा आईएमपी दिल्ली मीट सर्च करके जगजीत ईश्वर जी की परफॉर्मेंस और जो दूसरी परफॉर्मेंस थी जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे कोई फोटो कॉपी होती है एकदम से परमानेंट इंप्रेशन बन जाता है उस प्रकार से वो जो परफॉर्मेंस थी वो कई महीने तक मेरे दिमाग में एक तरह से उसका परमानेंट इम्प्रेशन बन गया था और वो परफॉर्मेंस थी मदन कुमार शर्मा जी की और उन्होंने सॉन्ग बजाया था यही वो जगह है तो अभी भी हार्मोनिका जब भी उठा के मैं जनरली कुछ भी बजाना शुरू करता हूँ तो ये सबसे पहला सॉन्ग होता है जो नेचुरली अपने आप से बजता है मेरे से तो इन दो परफॉर्मेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ अब आप पूछेंगे कि इन दो परफॉर्मेंसेस में क्या सिमिलैरिटी थी आप इन दोनों परफॉर्मेंसेस को यूट्यूब पे ये हैं आईएमपी दिल्ली का जो उन्होंने चैनल बनाया है हारमोनिका ब्रदरहुड दिल्ली वहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों परफॉर्मेंसेज में जो खास बात थी वो ये थी कि ईश्वर जी ने और मदन कुमार जी ने दोनों ने स्लाइडर प्रेस करके पूरा सॉन्ग जो है वो बजाया था तो ये चीज मैंने पहली बार वहां पे ऑब्जर्व की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम स्लाइडर प्रेस करके ही पूरा का पूरा गाना जो है वो बजा दें तो ये एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुआं खोदने वाली बात है तो क्योंकि उस समय मन में जिज्ञासा थी जैसे कोई प्यासा होता है तो ये चीज़ ऑब्जर्व की मैंने और इस चीज को मैंने इंप्लीमेंट भी करके देखा और उसी के बेस पे जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने ये बात बोली थी बट उस पर जैसे मैंने बोला कि डाउट हुआ कुछ लोगों को कि हमने कभी किसी दिग्गज प्लेयर को स्लाइडर प्रेस करके बजाते हुए नहीं देखा तो दो दिग्गज प्लेयर्स का मैंने आपको नाम बता दिया हो सकता है कि और भी कई हों और आज की डेट में बहुत से प्लेयर्स मैंने देखे भी हैं तो मैं स्पेशली एक नाम मेंशन करना चाहूँगा दिल्ली से हैं प्रकाश मधवाल जी ही इज ए वंडरफुल हारमोनिका प्लेयर आप उनको सुनिए तो वो भी आप देखेंगे कि स्लाइडर प्रेस करके इतनी खूबसूरती से सॉन्ग्स जो है वो बजाते हैं इतनी खूबसूरती से वो इफ़ेक्ट्स जो हैं मुर्गियों का स्लाइडर प्रेस पोजीशन पे वो देते हैं कि सुन के मज़ा आ जाता है तो बाकी अभी मैंने ये दो तीन ना आपको नाम बताए हैं इसके अलावा और भी कई प्लेयर होंगे तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम हमें कोई चीज़ सीखनी है कोई ज्ञान लेना है तो अगर कोई परफॉर्म कर रहा है मान लीजिए तो उसको आप चलो ठीक है इन्जॉय तो हम करते ही हैं तो सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट ना लेके उसमें से आप लर्निंग क्या ले रहे हैं तो कुआं खोद के पानी निकालना आपका काम है तो ये वो वही चीज़ हो गई कि कुआं खोद के आप कितना पानी उसमें से निकाल रहे हैं तो कितनी आप लर्निंग ले रहे हैं एंड अगेन एज आई सेड अर्लियर लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरी लर्निंग कंप्लीट है उसके बाद आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो कोई भी परफॉर्मेंस है कुछ भी है चाहे कोई बिल्कुल बिगनर ही कोई चीज को प्ले कर रहा है तो उसमें भी हो सकता है कि हमारे लिए कोई ऐसी लर्निंग हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जो हमारे ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल दे तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ज्ञान ध्यान की बातें बहुत ज़्यादा हो गई अभी तो कहने का मतलब यही है कि एक ऐसे जिज्ञासु ऐसे प्यासे बनिए कि आप पानी आपकी तरफ ना आए ये उम्मीद मत रखिए और ये भी उम्मीद मत रखिए कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे कोई पानी का भरा हुआ कुआं है उसके बदले आप खुद कुआं खोदिए पानी को लाइए तो उस वजह से क्या होगा कि बहुत से लोग हैं वो उस कुएं से फ़ायदा उठा सकें तो एक कुआं खोदने वाला बनिए कि दूसरों का भी आप भला करें आपका खुद का भला तो होगा ही दूसरों का भी आप भला करें तो फ्रेंड्स शिक्षक दिवस की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और यही कामना करता हूं कि आप अच्छे से चीज़ों को सीखते रहें और सीख के फिर उन चीज़ों को ज्ञान को बांटते रहें तो यही मेरी कामना है तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तो तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ